यस सो फाइनली कशेड़ी का टनल ओपन हो गया है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द टनल। ओ माय गॉड। तो आज था हमारा लास्ट डे ऑफ राइड एंड आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम गोवा आरंबोल टू मुंबई वाया ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे। तो रास्ते में हम लोग जाते हैं संकेत के अंकल की शॉप में जो थी रत्नागिरी में। उधर पेट भर नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं टूवर्ड्स न्यू कशेड़ी टनल जो आज के इस राइड की मेन अट्रैक्शन थी। तो जुड़े रहे इस वीडियो में मेरे साथ एंड एक्सपीरियंस करें इस जर्नी को। What's up YouTube? This is Yash. Welcome back to my channel Wheel Wanderer. तो यह गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा आरंबोल। तो आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आज लास्ट डे ऑफ राइड है, डे 5 ऑफ आर राइड एंड इट्स द रिटर्न बैक जर्नी फ्रॉम गोवा आरंबोल टू मुंबई। तो या अभी हम लोग थे मरमेड रिसॉर्ट करके एक था, तो जस्ट लुक एट दिस, ऐसे कुछ घर है वुडन के पूरे। तो रुको बताता हूँ, मैं आपको अंदर से टूर देता हूँ, लेट्स गो। तो ऐसे कुछ ये हट्स है, देख सकते हैं ये बाजू में एक है वो और उधर एक स्टार्टिंग में सब है। तो रूम आपको रूम बताता हूँ। तो या दिस इज द वुडन रूम, मस्त एसी है, कोई टेंशन नहीं, सिंगल बेड, तीन जन हम लोग आराम से सोते। एंड हियर इज द वॉशरूम। तो या अभी सब हो गया है ऑलमोस्ट, तो निकलने की तैयारी है बस। सो निकलते हैं फटफट यहाँ से। सो इधर से निकल रहा है और ये भाई हमको छोड़ रहा नहीं है। हाँ सो यस अभी 7:15 हो रहा है एंड या यहाँ से निकल रहा है। सब पैकिंग मेकिंग डन, माउंट वाउंट हो गया, बस निकलना है। सो या ए भाई चलो चल, तू लगे चल तो चल। हाँ चल पता चल जाल का है। अरे 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 चुक 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 चुक। A beautiful morning from the Arambol, Goa. तो या अभी हम लोग निकल गए, अभी है यहाँ से परफेक्ट घर 600 किलोमीटर्स। एंड ये ऐसे कौन से तो रूट से गूगल मैप लेके जा रहा है टिल हाईवे, आई डोंट नो ये कौन सा रूट है क्या है। सो यस देखते हैं, लेट्स सी। एंड अभी ETA बता रहा है 8:00 PM, तो अच्छा खासा डिस्टेंस है। एंड वी आर टेकिंग द ओल्ड मुंबई गोवा रोड बिकॉज आई गेस वो ऊपर के से घूम के जाने का वो अनुष्कुरा घाट एंड ऑल, आगे जाके रोड अच्छा मिलता है पर पहले तो ऐसे ही है। और इधर ऑलमोस्ट काम डन हो गया है, थोड़े मोट आई गेस डाइवर्जन्स है सो दैट्स ओके। एंड ये रोड थोड़ा सा फ्रेश करता है ऐसा ऑफ रोड, तो दैट्स द रीज़न। उधर वो स्ट्रेट स्ट्रेट रोड पे सिर्फ नींदी आता है बस, दैट्स इट। यस सो वी हैव क्रॉस द गोवा बॉर्डर, पीछे जो था वो गोवा बॉर्डर थी, ये ब्रिज के बाद चालू हो जाता है महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र चेक पोस्ट आगे मिल जाएगी। ये जब भी मैंने मालवण किया था उसके टाइम पे मैं गोवा आया था आरंबोल वगैरह देखने के लिए, तभी भी मैंने ये सेम रूट लिया था। सो अभी गूगल मैप वही बता रहा है, फिर इसके बाद आगे जाके कुछ 15 किलोमीटर्स बाद हाईवे पे हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो सो या दिस इज द महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट। हाँ यो सो फाइनली वी हैव क्रॉस द स्टेट गोवा एंड एंटर इन महाराष्ट्र एंड दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड दिस कोकन रोड्स। हा हा हा
खूप भारी वाटतं यार कोकणामध्ये चालवायला. एक असं ते थंड हवा एक येते ना, आणि तो एक असा मस्त एक सुगंध असतो, खूप भारी वाटतं. वी हॅव कनेक्टेड टू मुंबई गोवा हायवे. अभी बस स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाना आहे. किधर भी कोई टर्न नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस. या अभी तक तो रोड अच्छा ही मिल रहा है. होप फॉर द बेस्ट फॉर द फर्दर, अच्छा ही हो. एंड थोड़े मोटे डाइवर्जन्स है उतना मुझे पता है, बट मैक्सिमम रोड अभी हो गया है ऐसा लगता है. और जो अपना घाट भी है, जो कशेड़ी घाट, उसके नीचे से भी वो जो टनल है वो भी आई गेस अभी खुल गया है. सो फ्रॉम हियर कनकवली इज 42, राजापुर 99, रत्नागिरी 170. रत्नागिरीचे हापूस मे महिन्यात खायचे आहेत. आहा हा, जायचं का? मस्त एक कार में डॉग था, बहुत सही लग रहा है वो. तो वो देख रहा है बस पीछे बैठ के, कैसा बैठा है, वाह कड़क. हाँ, सो अभी कूड़ा वगैरह सब क्रॉस कर दिया. सो फार टाइम इज 9 AM एंड अभी तक किलोमीटर्स कवर हुए हैं कुछ अप्रॉक्स 100. इधर ये रोड पे मजा आता है चलाने, बस एक ही है, पूरा टाइम वो हवा का आवाज आते रहते हैं, बैं 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 बैं, सहलेंगे थोड़ा सा, वो बस घंटा रहता है लांजा. तो यस, हम लोग अभी लांजा के आगे आ गए हैं. लांजा जस्ट सिटी क्रॉस कर लिया एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पाली. तो अभी तक लांजा के पहले तक रोड बहुत सही है, पूरा रोड. मतलब हम लोग सावंतवाड़ी से ज्वाइन किए, सावंतवाड़ी से लेके लांजा सिटी के पहले तक रोड्स एकदम पूरा बन गया है, सब हो गया है. और उसके आगे ये डाइवर्जन्स है, आधा आधा रोड बना है, आधा नहीं बना है. सो डाइवर्जन्स में थोड़ा सा स्पीड गिर रहा है, नहीं तो हम लोग का अभी 90 to 100 कॉन्स्टेंट स्पीड था. तो यस, अभी टाइम अपडेट 10:12 AM हो रहा है एंड अभी हम लोग का एक्चुअली चेंज ऑफ प्लान है. अभी तक हम लोग नाश्ता के लिए रुके नहीं है. तो संकेत के रिलेटिव्स है पाली से राइट होके, उनका एक शॉप है, तो हम लोग उधर ही मिलने जा रहे हैं. रत्नागिरी जो स्टेशन है, रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, उसके जस्ट बगल में ही है. सो या प्लान वही है कि फिर वहीं जाके नाश्ता वगैरह कर ले. तो है अभी तक डिस्टेंस उधर 1 घंटा प्लस बता रहा है पहुंचने के लिए. सो या लेट्स सी, पहुंचते हैं वहाँ पे. तो यस, अभी हम लोग एक्चुअली है रत्नागिरी. रत्नागिरी में मैंने जैसे आपको बताया कि संकेत के जो अंकल है उनका शॉप है. तो या ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये शॉप है और यहाँ पे मिसल, वड़ा पाव और चाय, और टेस्ट एकदम एकदम बढ़िया. तो यार आपको इधर आने के बाद ये काका मिलेंगे, काका ओ ये अंकल मिलेंगे. तो ये जस्ट रत्नागिरी जो स्टेशन है, ये रोड है सामने रेलवे स्टेशन का, तो उसके बराबर सामने है. तो यार ज़रूर आना, मिसल एंड चाय ज़रूर पी के जाना, बहुत अच्छा है. तो अभी का वही प्लान है कि अभी यहाँ से बस खा के हम लोग निकलेंगे एंड मिलता हूँ आपको अभी डायरेक्टली हाईवे पर. या सो क्विक अपडेट, अभी टाइम हो रहा है 1 PM एंड भाई साहब जो गर्मी हो रही है, प्रॉपर सूरज ऊपर है एंड ऐसा पूरा हीट अप हो रहा है एंड द रोड इज़ वर्स्ट आफ्टर द पाली. एकदम ख़राब रोड है, एकदम ख़राब. संगमेश्वर तक हमको एक्चुअली बोला था कि संगमेश्वर तक रोड ख़राब है, बट उसके आगे भी अभी हम लोग जस्ट क्रॉस करके आगे आ गए तो भी है डाइवर्जन है, बट ठीक है ये ऐसा तो है. बट इसके पहले जो रोड था ना, वो जो ये राइट साइड में देख रहे हो ना, पूरा मिट्टी खड़ी बिड़ी, सेम वैसा ही. हाँ, हालत ख़राब हो गई अभी. यस, वी
have crossed the Khed city. We are crossing right now the Khed city. तो अभी time हो रहा है 2:21 in the afternoon. हाँ अभी चालू होगा कशेड़ी and I guess जो tunnel है वो अभी कशेड़ी का चालू कर दिया है. सिंगल साइड है अभी पता नहीं, वो अभी तक श्योरिटी नहीं है. तो जो भी है मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे. तो यार जस्ट अभी निकलने से पहले ना हम लोग ने अभी एक्चुअली पहले ब्रेक लिया था पानी के लिए. तो अभी चेक किया था तो घर का ETA वो बता रहा है 9 PM. तो भाई साहब 10 तो ऑफकोर्स बनने वाला है. एंड वैसे भी आज संडे है तो घोड़ बंदर में तो ट्रैफिक भाई साहब मिलने ही वाला है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई होप 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 इतना बड़ा राइड करके वो घोड़ बंदर में ट्रैफिक ना मिले. एक तो ये सैडल बैग वगैरह के साथ ना फिर हालत ख़राब हो जाती है. तो या लेट्स सी. यस सो फाइनली कशेड़ी का टनल ओपन हो गया है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द टनल. ओह माय गॉड. अभी फिलहाल दोनों साइड में से एक ही साइड ओपन हुई है. ओके लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है. ओके बहुत बड़ा बहुत ह्यूज है. मिट्टी अंदर पर पूरी पूरा आँख में जा रहा है. और मैंने ग्लेयर्स पहना था उसकी वजह से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. ओके लाइट्स आ गई. हाँ बहुत मिट्टी है. ओ माय गॉड वाइजर बंद करके ही चलाना पड़ रहा है. बहुत ज़्यादा मिट्टी है. वेंटिलेशन के लिए वगैरह बहुत बहुत सही बना है. वाओ 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 आई गेस खत्म हो गया. ओके इट वाज ह्यूज बहुत ज़्यादा. So time update, it's 4:18 PM and we have crossed इंदापुर फाटा. जो इंदापुर है उसके आगे आ गए हैं. उसके आगे मीन्स जो रोहा है नदीबाग का टर्न है ना वो भी क्रॉस कर लिया. अभी ऐसे थोड़ा सा सिंगल लेन रोड है बट हाँ रोड कंडीशन डाइवर्जेंस वगैरह है अच्छे खासे. बट इट्स ओके क्रॉस हो जाते हैं फटफट से. तो अभी तक हालत तो अच्छी है. थकावट थोड़ी बहुत हुई है बाकी ऑल गुड. बीच में पहले थोड़ा धूप था ना मतलब 2-3 बजे वगैरह के आसपास बहुत ऐसा नींद आ रही थी. कोई रुक के ऐसे कॉफ़ी के मेरे पास पाउच थे वो डाला वो मुंह में एंड पानी पी लिया एक क्विक शॉट ऑफ कॉफ़ी. तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है. वो यस सो फार राइड इज गोइंग अमेजिंग. अभी ETA कम तो हो गया था बट वही है ट्रैफिक बढ़ रहा है. सो बराबर और पीक टाइम पे हम लोग एंटर कर रहे हैं मुंबई में तो रहेगा ही रहेगा. और अभी ये पूरा रोड अच्छा कर दिया नहीं तो ये पहले भाई साहब लास्ट ईयर में मालवन से आ रहा था तभी पूरे रोड की हालत बैंड बजी हुई थी. तो एक अच्छा है अभी ये रोड तो हो गया है पूरा. यस हम लोग ने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से क्रूज किया है एंड नाउ टाइम इज 5:56 एंड वी रीच JNPD. अभी बस यहाँ से ही
थाने, थाने से घर, that's it. तो यार बहुत अच्छी तरह से कवर अप किया, ब्रेक बहुत कम लिए, दोपहर को खाना नहीं खाया क्योंकि मूड ही नहीं था यार खाना खाने का, सो दैट इज द रीज़न. अभी देखते हैं फट पहुँचते हैं, लेट्स सी. यस सो फाइनली रीच नालासोपारा बस ब्रिज पे. भाई साहब हर एक लॉन्ग राइड में ऐसा ही होता है, गोवा से इधर तक इतना चला के आया, जितना एग्जॉस्ट नहीं हुआ ना उतना ये 5-6 किलोमीटर हुआ हाईवे से अंदर आने के लिए. इतना गंदा ट्रैफिक क्या बताऊँ, और उसमें से कोई सेंस ही नहीं है चलाने का, इधर उधर मारो, ये कट करो, ये करो वो करो. तो या वही सीन है, अभी बस जा रहा हूँ इधर ही एक बार तीनों को मिलके टाटा बाय बाय करके. आई विल लीव फॉर विरार. यस सो या फाइनली वी हैव रीच्ड. अभी बस नालासोपारा के चेड़ा सर्कल एक है उधर रुके हैं. तो या अभी टाइम हो रहा है 8:15, बराबर ETA जो शो कर रहा था बराबर वही टाइम पे है. सो यस देखते हैं ये सबको तर मग काय कसं वाटलं. और रोहित तेरा क्या था सीन? हालत तो ऑफकोर्स खराब हुई है क्योंकि 5 दिन कंटिन्यू राइडिंग था, बट हाँ बिना सोए वो भी, बट ठीक है कर लिया एंजॉय, मजे भी किए, प्लेसेस भी कवर अप हो गए सब. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. For whatsoever reason, if you like this video, please give it a like. This is your signing off. Bye-bye. लोग को एक्चुअली बोला था कि संगमेश्वर, हम लोग को एक्चुअली बोला था कि संगमेश्वर हमको एक्चुअली बोला था कि संगमेश्वर तक 9 10 नंबर हो गया.